ये बन गया, दोबारा बंद कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आपने सफा नंबर 50 में से हदीस नंबर 5 ओपन करना है। मिल गया बेटा। अस्सलाम वालेकुम भाई सर, क्या पढ़ा रहे हैं? बेटा 9 क्लास है, 9 जूनियर। सर 6 क्लास की कब शुरू होनी है क्लास? 6 बेटा, इसके अगला पीरियड यानी 11:30 बजे 6 शुरू होनी है। आज जुमा है ना, आज पीरियड छोटे हैं। जी हदीस पाक है, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, अल्लाह मसल्लि अला मुहम्मद व बारिक व सल्लम, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवाउ तबियन लिमा जीतु बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, उस वक्त तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपनी ख्वाहिश को उस चीज के ताबे ना कर दो जो मैं लेकर आया हूँ। जी उस वक्त तक तुम ईमान वाले नहीं हो सकते, मोमन नहीं हो सकते, कामल ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक अपनी ख्वाहिश उस चीज के ताबे ना कर दें जो मैं लेकर आया हूँ। क्या क्या मतलब कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतरने वाला दीन इस्लाम, इसमें कुरान भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन भी हैं। आदमी की ख्वाहिश ये होती है कि जो इंसान का दिल चाहे वो काम करना है, लेकिन इस्लाम कहता है दिल चाहे वो काम नहीं करना, बल्कि काम वो करना है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया और जो कुरान मजीद में उसका जिक्र मौजूद है। मिसाल के तौर पर आदमी का दिल नहीं चाहता कि मैं सुबह उठूं नमाज के लिए और नमाज में चला जाऊं, लेकिन उधर से कुरान मजीद में है आकिम सलाता के नमाज पढ़नी है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमान में ये हुक्म दे दिया कि तुम में से जब आप बच्चा 7 साल का हो जाए उसको नमाज का हुक्म देना है और जब 10 साल का हो जाए तो सख्ती से उसको नमाज पढ़ानी है। तो इसमें नमाज की अहमियत इस्लाम में ज्यादा है और इंसान की ख्वाहिश दिल नहीं चाहता तो अपने दिल की बात को छोड़ेगा और उस बात को अहमियत में लेगा जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। और इसी तरह दीगर आमाल को देख लें और दीगर इंसान के नज़रियात को देख लें। इंसान अपने गुस्से में आकर गाली निकालता है, बहुत कुछ करता है और समझता है कि मुझे कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन इस्लाम कहता है कि अपने अखलाक की हद के अंदर रहकर अपनी ज़िंदगी बसर करनी है और अपनी ज़बान से गाली नहीं निकालनी, झूठ नहीं बोलना और गलत बयानी नहीं करनी और दीगर जो चीज़ें जिस चीज़ को इस्लाम ने मना किया है। इंसान का दिल तो नहीं चाहता लेकिन इस्लाम के ऊपर अमल करते हुए उन चीज़ों को छोड़ा जाएगा। इस तरह कोई चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर इंसान का दिल चाहता है लेकिन इस्लाम ने उसको मना किया है। दिल चाहता है कि आदमी जुआ खेले, दिल चाहता है इंसान आदमी शराब पिए, इस तरह दिल चाहता है कि आदमी और गलत काम करे, लेकिन इस्लाम ने उन सब चीज़ों को मना कर दिया है। जब इस्लाम ने मना कर दिया है तो फिर इंसान को अपने दिल की बात नहीं माननी पड़ेगी बल्कि उस चीज़ को मानना पड़ेगा जो इस्लाम कह रहा है, जिस चीज़ की तरफ इस्लाम रगबत दिला रहा है, हुक्म दे रहा है, उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। आइए इसके तर्जमे की तरफ चलते हैं।
तो हदीस पाक में है ला यू मिनु उस वक्त तक तुम में से कोई ईमान वाला नहीं हो सकता, हत्ता हत्ता के यकून हो जाए तब हवा उसकी ख्वाहिश ताबी अन लिमा जे तो भी उस चीज के मुताबिक जो दीन इस्लाम को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया है। तुम में से कोई शख्स मोमन नहीं हो सकता जब तक उसकी ख्वाहिश उस तलीम के मुताबिक ना हो जाए जो मैं लाया हूँ, यानी कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है। इंसान की फितरत में नेकी या बदी दोनों का शऊर रखा गया है। इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक दिल के आवाज़ पैदा की है कि जो इंसान को नेकी की और बदी की पहचान करवाती है, इसको कहते हैं नफ्से लवामा और नफ्से मुतमाइन्ना। इंसान का एक तो दिल किसी चीज़ पे करने पे ऊपर मुतमैन है तो इसको कहते हैं नफ्से मुतमाइन्ना कि मैं बड़े सुकून के साथ ये चीज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये सही है। मिसाल के तौर पर सच बोलता है आदमी और उसमें इंसान को सुकून है, अच्छी बातें करता है सुकून है, अच्छे काम करता है सुकून है, गलत काम जब भी करता है तो उसके दिल में एक धड़कन पैदा होती है जो उसको उभारती है, नफ्से नफ्से लवामा इसको कहा गया, जो उसको मलामत करती है कि ये तेरे काम करने का नहीं, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है और इस्लाम ने इसको मना फरमाया, लेकिन इंसान उस लवामा नफस की परवाह नहीं करता, उसको जो मलामत करा उसकी परवाह नहीं करता और उसके बरखिलाफ काम करता है तो गोया कि उसने अपनी मनमर्जी की है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत नहीं दी है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने देता हूँ, ये मेरे पास बोर्ड मार्कर है और ये मेरा अपना जाती है, जब भी मैं उसको उठाऊंगा मुझे कोई इसमें कदगन नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी का चुराना चाहूँ तो फिर मेरे लिए ये परेशानी का बायस बनेगा कि जब मैं चुराऊंगा तो मेरे दिल में पूरी धड़कन आएगी कि ये तुम्हारा नहीं है, किसी का, अगर उसी ने देख लिया तो फिर आपके लिए नमोशी का बायस बनेगा। इस तरह कोई भी ऐसी चीज़ जब आदमी करना चाहता है उसको दिल की धड़कन एक दफ़ा मुतनबे करती है, ये चीज़ तेरी चीज़ नहीं है, किसी की चीज़ है, तो लिहाजा इससे डर जा और इसको छोड़ दे। लेकिन आदमी अगर छोड़ देता है तो इंसान उसकी लवामा नफ्स की तरफ चला जाता है तो उसके लिए इत्मीनान वाला सुकून मिल जाता है, लेकिन अगर वो इंसान कर लेता है फिर उसके लिए बार बार वो धड़कने इंसान को परेशान करती हैं। इसलिए फरमाया गया है इंसान की फितरत में नेकी और बदी दोनों का शऊर रखा गया है, इसलिए इसे चाहिए कि वह अपने इरादतन और इख्तियार के बावजूद बुराई या गुनाह के काम से इज्तनाब करे। यानी इंसान इरादा भी है बल्कि इरादा होने के बावजूद इंसान उस चीज़ को छोड़ दे जिस चीज़ का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, कुरान ने मना किया है, अल्लाह ने मना किया है, उसके बारे में बताया गया ये काम गलत हैं, ये गुनाह का बायस हैं, ये इंसान के लिए नुकसान का बायस हैं, उनको तर्क कर दे। दूसरा ये कि अपने जज्बात एहसासात और ख्यालात को अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक ढाल लें। जज्बात होते हैं इंसान के अंदर पैदा होने वाली चीज़ें कि मेरा दिल चाहता है ये काम करूं, मेरा दिल चाहता है ये चीज़ करूं, मैं ये खाना चाहता हूं, ये मैं, ये जज्बात होते हैं आदमी के, एहसासात होते हैं जो इंसान जब कर लेता है तो फिर उसके ऊपर इंसान को खुद ब खुद एहसास पैदा होता है ये मैंने गलत किया है, ये मैंने दुरुस्त किया है। और इसी तरह ख्यालात इंसान अपने मनसूबे बनाता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, उन मंसूबों के अंदर देखा जाएगा कि मेरे लिए फ़ायदे की क्या बात है और नुकसान के लिए क्या बात है। अगर तो उन सारी चीज़ों में इंसान के जज्बात एहसासात और ख्यालात में सारे मामलात अल्लाह उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक हैं तो फिर तो बेहतर है, और अगर उसके खिलाफ हैं तो फिर उससे इंसान को गुरेज करना चाहिए। हदीस में आया है कि अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो गोया कि वो ईमान की लज्जत से नावाकफ है। यानी जिसने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक ना डाला और मनमर्जी करता रहा और फिर आदमी कहे कि मुझे सुकून मिल जाए, इत्मीनान मिल जाए, वो इत्मीनान नहीं मिल सकता। इत्मीनान सुकून उस वक्त मिलेगा जब जो चीज़ का हुक्म दिया गया है वो करे और जिस चीज़ से मना किया गया है, रोका गया है, उससे रुक जाए तो फिर ही उसको इत्मीनान और सुकून मिले। इसी तरह दूसरे लफ्ज़ों में इस हदीस मुबारक में इताअत रसूल का पैगाम दिया गया है कि हर हाल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। इताअत मानी होता है फरमा बरदारी की।
जब भी लफ्ज आएगा तो उस वक्त इताअत मानी फरमा बरदारी इत्तेबा करना। फरमा बरदारी होता है कि बड़ा जब कहता है तो उसका उसकी बात को अहमियत देना है, और वो अपनी बात को छोड़ देना है, उसकी बात को अपने सामने रखना है कि ये मुझे फलाह ने मना किया है, फलाह ने रोका है, मैंने बस उसी की बात माननी है। तो हमारे लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई शख्सियत ऐसी नहीं जिसकी फरमा बरदारी की जाए। और हदीस पाक में जहाँ तक यही आया है कि इंसान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इस दर्जे तक हो कि उसके वालदैन से बढ़कर, औलाद से बढ़कर, तमाम दुनिया से बढ़कर उसकी मोहब्बत और उसका मेयार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आला दर्जा का होना चाहिए। हत्ता कि ये भी हदीस में ये गुजरा है कि इंसान अपनी ख्वाहिश से भी बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करे। जब हमारे सामने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात आला अरफा ऊँची और सुची और आपसे बढ़कर कोई मकाम के लिहाज से आला नहीं है और इज्जत व एहतराम के लिहाज से आला नहीं है, तो फिर हमारे दिल में ये बात ये भी होनी चाहिए कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है इसी को हमने मानना है, और जिस चीज़ से मना कर दिया गया है हमने इस चीज़ से रुक जाना है। जिसने मेरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की गोया कि उसने मेरी अल्लाह की इताअत की। ये कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने नबी की इताअत को खुद अल्लाह ताला की इताअत करार दिया गया है कि जिस आदमी ये चाहता है कि अल्लाह की मैं बात मानूं तो उसके लिए ज़रूरी है कि नबी आखिरुज़्ज़मान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को दिलो जान से बढ़कर, इत्मीनान से बढ़कर और अपने हर मामलात में उसको एहतराम दे। गोया कि जिसने नबी की इताअत की गोया कि उसने अल्लाह की इताअत की। जिसने मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की उसने गोया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की। और दुनिया में भी कामयाबी कामरानी के सर्टिफिकेट के लिए है कि नबी आखिरुज़्ज़मान की बात को अहमियत दी जाए, और आखिरत की कामयाबी का भी यही मेयार दिया गया है कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी इसी में है कि जो जिस आदमी के साथ मोहब्बत करता है कल उसी का खात्मा उसी के साथ होगा। अगर इंसान को दुनिया से मोहब्बत है तो दुनिया तो दुनिया में ही रह जानी है, आखिर में खाली हाथ जाएगा। अगर उसकी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है तो ये मोहब्बत उसको आखिरत में भी काम आएगी, आखिरत में भी उसके लिए फ़ायदे का बायस बनेगी। तो इसलिए इस हदीस से ये पता चला कि इंसान की ख्वाहिश से बढ़कर, इंसान के वालदैन अदीद व अकारब से बढ़कर और दुनिया व माफीहा से बढ़कर इंसान की मोहब्बत का मेयार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होना चाहिए, और फिर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें उसको अपने लिए लाजम ज़रूरी करार दे लें, और जिस चीज़ से मना कर दें अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ से रुक जाएं, और अपना मोहब्बत का और अपना जज्बात का और अपने इताअत वाला पहलू जो है नबी आखिरुज़्ज़मान के साथ ताल्लक जोड़ते हुए आपकी हर बात को अहमियत दी जाए, और आपने जिस चीज़ से मना किया गया उससे रुक जाएं। तो यही इस्लाम की दावत है, यही दीन की दावत है, यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, यही अल्लाह ताला का पैगाम है। तो अल्लाह से ये इंसान को हमा वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह हमें हर हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत दिल में बिठाने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें बेटा इस हदीस में अगर कोई आपको कुछ सवाल करना है, जी समझ आ गई इस हदीस की? जी बेटा बेटा मैंने सवाल किया है, बता दे जी। जी एक ही है, मैंने कहा जी एक ही करनी है सिर्फ। ये हदीस नंबर बेटा 5 है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूनु हवा तबियन लिमा जे, तो भी ही इस हदीस का आपने तर्जमा याद करना है, तशरीह याद करनी है, और इसमें से आपसे कल सवाल होगा। हदीस का तर्जमा तशरीह याद करनी है। जी कल छुट्टी नहीं है, चले बेटा नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उस वक्त है। यस सर, अपनी अरबी याद करनी है।
अरबी याद कर लें तो अच्छी बात है, नेकी है, सवाब है। जी तो हमें असेसमेंट मिली थी जो हमने स्कूल में जमा करवानी है, वो कल करवा सकते हैं? नहीं कल बेटा स्कूल बंद होगा, आप मंडे वाले दिन करवा सकते हैं। ठीक है सर। जी और कोई क्वेश्चन? सर मैं कह रही हूँ पेपर के लिए अभी याद करना जरूरी है कि नहीं? नहीं जरूरी तो नहीं बेटा, ये जब याद होगी तो फिर आसानी तर्जमा आसानी से हो जाता है, जरूरी नहीं है अरबी याद करना, तर्जमा याद करना है, उसके तशरीह याद करनी है। जी ओके, यस, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।